आपका कहना यह है कि मैं जब तक जो है उसे छोड़ता ही नहीं हूँ, जब तक वो 5 लाख रुपए हर वर्ष कमा कर अपने अकाउंट में जमा ना करे। किससे जमा, किससे? जब कमा के गौ से होने वाले गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, इन सब चीजें, तो वो तो एक वैध हो जाएगा जब तक। तो हम ही चाहेंगे कि आपके सानिध्य में रहे बच्चा। देखिए, ये 72 विधाएं मेरे पास ऐसे एक सज्जन गुरुकुल खोल रहे थे, कोई स्वामी जी महाराज फोन किए कि आप आइए और गुरुकुल के बारे में ये और क्या क्या सिलाबस और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो। ये बड़ा दुखद विषय है कि जब बच्चों को हम लोग किसी सिलाबस में बांधते हैं, हाँ जी, 72 प्रकार के ज्ञान उसको डालते हैं। हाँ जी, मैं कहता हूँ मेरे पास जब बच्चे आते हैं, ये जितने जितने पढ़ के आए हैं, पहला काम है कि ये भूलेंगे कितना दिन लगेगा। पहले पढ़े होगा, भूलेंगे कितने दिन में, हाँ जिससे हम अपने आप को जान लें, हाँ अपनी संस्कृति को जाने, क्योंकि तो हमने संस्कृति नहीं, कुछ और ही पढ़ा है। और ये जो भी एजुकेशन सिस्टम में ये लोग पकड़े हैं, हाँ जी, तथा कथित जो आप बोल रहे हैं वैदिक संस्कृति, वेद और पढ़ाई और मंत्र और तंत्र और ये सारा, पहले तो उसे भूलो बोलो, और थ्योरिटिकल ज्ञान को छोड़ो थ्योरेटिकल ज्ञान ज्ञान भी छोड़ दिया। और आत्मस्थ ज्ञान जो अपने अंदर है, जी जो चेतना है, जो आध्यात्म है, जो सजगता है, हाँ जी जो जागरण है, हाँ जी जिसे आप आत्मोपलब्धि कहते हैं, जी वह चेतना को पाने का काम है। जी वो चेतना हालांकि पाया नहीं जाता है, पाया नहीं जाता है, लेकिन उस हेतु प्रयास करें उस हेतु प्रयास और मौन का ज्ञान लें। मन का। जी ये इंसानी दिमाग में 72 विधा तो घुसा दोगे आप, हाँ बहुत अच्छा बात है। मेरे पास ऐसे ऐसे छात्र मैं देखा हूं, 162 विधाएं सीखे हैं सरकारी सिस्टम में। हाँ जी सरकार का एक सिस्टम है जिसका नाम है JSS, जन शिक्षण संस्था। जी तो वहां पर जो बच्चे बेकार हैं, जो लोग पढ़ लिख के बेकार हैं, उनको पैसा रोजगार करने के लिए स्वावलंबन कोर्स के तहत 162 ट्रेड है। तो कुछ लड़के माँ बाप के पैसा खर्चा करके, क्योंकि सरकारी कोर्स है तो वेल्डिंग सीख लिया तो 200 रुपया, बैंडिंग सीख लिया तो 200 रुपया, और टेराकोटा सीख लिया तो 200 रुपया एडमिशन फीस, ऐसा करके 162 ट्रेड सीख लिया है। मास्टर मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नॉन। जी हमारे गुरुकुल का लक्ष्य क्या है? कुछ नहीं सिखाना। तू किस लिए जन्म हुआ है? तेरे अंदर क्या कला है? तुमको ईश्वर ने क्यों क्या करने के लिए जन्म दिया? तेरे अंदर का खूबी क्या है? तुम अच्छा गाते हो या अच्छा बजाते हो, या अच्छे नाचते हो, या अच्छे क्रिकेट खेलते हो, या अच्छे फुटबॉल खेलते हो, या अच्छे गौ सेवा करते हो, या अच्छे मंत्रोच्चारण करते हो, तुम्हारे अंदर का कला क्या है, खूबी क्या है? तुम क्यों जन्म हुए हो? प्रभु ने तुम्हें क्यों धरती में जन्म किया? हाँ पागल बनाने के लिए क्या? 72 ट्रेड तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन डालने के लिए जन्म किया क्या? तुम्हारा ये तुम्हारा जन्म किस काम के लिए हुआ, उसको जांचो, तुम उसको जानो और उसी को वो करो। उसको निकालना। हाँ, उसको खोज के उसे निकालो और उसे जानो और उसे ही करो, यही है ना। तो मेरे पास बहुत सारे पूछते हैं, आप स्वावलंबन कोर्स बोल रहे हो, 1 साल में 5 लाख रुपया कमाने का बात बोलते हो, क्या कराओगे? क्या मैं कराओगे तेरा क्या। माथा फोड़ूंगा बेईमान, हाँ हाँ क्या कराऊंगा? क्या हाँ क्या ट्रेड सिखाते हो? बोले हाँ यहाँ तो हम मूर्ख बनाने के लिए बैठे हैं, हाँ कुछ सिखाते नहीं है, हाँ बेहद मेहनत करवाते हैं, हाँ पहले तो मेहनती बनाते हैं, हाँ स्वावलंबन इतना मेहनती बनाते हैं कि कहो मत। भगवान कृष्ण गीता में यही बात बताए कि जो कर्मयोगी है, जो कर्म को योग दृष्टि से करता है, उसके अंदर का व्यक्तित्व का विकास उभर के आता है बाहर, उसके अंदर ज्ञान प्राप्त होते हैं। उसके अंदर का ज्ञान प्राप्त और ज्ञान प्राप्त माने पहला तो सांसारिक ज्ञान, यानी कैसे तुम अपने पेट पालोगे, रोजी रोटी कमाओगे, जी किस विधा से, हाँ जी और दूसरा है कि तुम किस विधा से तुम्हारे अंदर का परम तत्व को पाओगे। तो वह ज्ञान है। यहाँ 162 विधा सिखाया जाए या 72 विधा सिखाया जाए, और वहां पर 72 शिक्षक हों, हमारा गुरुकुल का लक्ष्य है नो टीचर स्कूल, नो टीचर स्कूल, जहां कोई टीचर ना हो, स्वयं को जाना चाहिए।
सारे छात्र गुरु हैं, सारे छात्र गुरु सब सबके पास गुरु ज्ञान है, सब बड़े से छोटे को से पढ़ाते हैं। हाँ, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि डंडा लेके खड़ा हो गया मास्टर, नहीं आप तेरे को मैकेनिकल सीखना है, तेरे को इलेक्ट्रिकल सीखना है, तेरे को इंस्ट्रूमेंटल सीखना है, तेरे को ये ट्रेड सीखना है, नहीं, तेरे को गाय से ही पैसा कमाना है, नहीं। किसी को अगर क्रिकेट खेलने में रुचि है, क्रिकेट खेलने में इच्छा है और उसका शरीर क्रिकेट के लिए बना है, तो लाख प्रयास करे फुटबॉल खेल सकता है क्या? नहीं खेलेगा। और अगर कोई बाईचांग भूतिया फुटबॉल खेलने के लिए उसका बॉडी बना है, उसी हिसाब में उसका लेग बना है, छोटे छोटे पैर हैं, बहुत दौड़ सकता है, बॉडी उसका बैलेंस है, उसको क्रिकेट में खड़ा कर दो, खेल सकता है क्या? वो कैसे खेल सकता है जिसका शरीर ईश्वर ने जो फुटबॉल खेलने के लिए बनाया, ईश्वर ने तो ये किसी और को बनाया है। तो हमारे गुरुकुल का मकसद यह है, बेटा तू किसके लिए जन्म हुआ है उसको इन्वेंट करो, खोजो खोजो, इन्वेंट योर सेल्फ, वाई एक्चुअली यू कम टू दिस वर्ल्ड एंड वॉट एक्चुअली द गॉड वॉन्ट टू परफॉर्म थ्रू योर इंस्ट्रूमेंट बॉडी माइंड एंड सोल। जी, तुम क्या, तुम्हें क्या कराना चाहता है प्रभु ईश्वर, तुम्हें क्या कराना चाहता है, तुम ये खोजो। हाँ, तुम कितना विधा के बारे में जानते हो वो कदाचित प्रमुख नहीं है। अच्छा, मानव के जीवन में जी, जो जीवन के लिए विद्या है जी, वह जिस विद्या को जानने के बाद आप जीवन को समझ सकते हो जी, और इस जीवन को क्यों चला रहे हो आप जान सकते हो जी, वह जीवन विद्या को धारण करो। वतः आपके शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार हेतु, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार कितने हो गए? शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार पांच हो गए। ये पांच तत्व हेतु, इन पांचों को परिपुष्ट करने हेतु दसम महाविद्या का साधना करो, सीखो मत। साधना करो सीखो मत, सीखने का धंधा बंद, सीखने का धंधा बंद, कुछ मत सीखो। जो सिखाता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, मैं आपसे सिखा रहा हूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जी। क्योंकि इस धरती में कोई भी किसी को कभी भी कुछ भी सिखा नहीं सकता नहीं जब तक वो सीखना ना चाहे, सीखना ना चाहे, सही बात। तो वो दसम महाविद्या व्यक्ति के अंदर पात्रता को निर्माण करता है, रिक्तता को निर्माण करता है, जिससे तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते योगी योगिनां तत्त्वदर्शिन। जी, तेरे अंदर वो पात्रता उपजे कि तू बाघ शेरनी का दूध को भी अपने अंदर रख समा सके, यानी ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करना जिसके अंदर रिक्तता हो और उसके अंदर पात्रता हो। तात्पर्य यह है कि सुबह वेदादि मंत्र का उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं नियमित, क्यों? योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। पतंजलि महर्षि संस्कृत के माध्यम से वाणी में शुद्धता के हेतु प्रयास किए और दिए धरती को, तो इसलिए संस्कृत का उच्चारण करना। योगेन चित्तस्य, फिर वेदादि मंत्र के बाद योग का साधना करना, सीखना नहीं सीखना, साधना करना जी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और बचपन से प्रतिदिन नित्य आयुर्वेद जड़ी बूटी प्राकृतिक चिकित्सा पंचगव्य चिकित्सा एकुप्रेशर सिद्ध साधना अग्निहोत्र चिकित्सा इस प्रकार के भारतीय विधाओं के चिकित्सा शास्त्र को जीवन में उतारना, ना कि चिकित्सा को सीखना है। डॉक्टर नहीं बनने तेरे को, डॉक्टर नहीं बनना है, वैद्य नहीं बनने तेरे को, तेरे को देख के आधा आदमी का बीमारी बन जाए, तुझको देख कर आदमी आधा स्वस्थ हो जाए वो बनना। कितने आदमी का बीमारी ठीक करोगे? सही बात। फिर डॉक्टर बन जाओगे, फिर डाकू बन जाओगे, फिर लूटने लगोगे। हाँ। आज जो नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी हो गया, नोच नोच के खाना। हाँ हाँ, नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी, मट्टी पट्टी लगाओगे 500, पानी पट्टी लगाओगे 200, एनिमा ठोक देंगे 100। हाँ। क्या
क्या कर लिया तूने। तो ये देश को हमें स्वस्थ समृद्ध समृद्ध स्वस्थ समृद्ध ठीक है बनाना है। तो उसके लिए व्यक्ति निर्माण करने हैं। हाँ। और व्यक्ति निर्माण करने हैं माने बचपन से हर दिन वेदादि मंत्र पाठ, भयंकर योग साधना, भयंकर अस्त्र शस्त्र कराटे नियुद्ध इत्यादि विद्या डेली नित्य लड़ना लड़ाना सिखाना है, हाथ पर तोड़ना तुड़वाना सिखाना है ठीक है, अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाने हैं और बचपन से डॉक्टर बना देना है, वैद्य बना देना है, समझने हेतु कह रहा हूं। हाँ। और प्रचंड कर्मयोगी बना देना है। अकेले में वो हजार का काम कर सके, अकेले में वो हजार का काम कर सके, आलसी नहीं बना देना, आलसी नहीं। तो कर्म आदमी को ज्ञान देता है, कर्म ज्ञान देता है, केवल कर्म नहीं कर्म योग मनुष्य को ज्ञान तक पहुंचा देता है। इसलिए भगवान गीता में पहले कर्मयोग का बात बताते हैं, फिर राजयोग का बात बताते हैं, फिर ज्ञान योग का बात बताते हैं, और जो जो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा फिर बोलते हैं संख्या कि भक्ति योग में चलो, अब भक्ति योग में जाओ। हाँ। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरत श्रवण। ये चार प्रकार के भक्त हैं और उस चार प्रकार के सबसे अच्छे हैं वो मेरे ज्ञानिश्च भरत श्रवण, वो ज्ञानी भक्त वो बनाने, वो निर्माण करने। जैसे स्वामी जी अभी आप यहाँ हो तो आपके बाद वहाँ कौन है मुखिया जो इन सब विधाओं, सारे मुखिया हैं भाई। अच्छा। वहाँ तो कोई नौकर चाकर गुलाम बनते नहीं है, नहीं। तो अच्छा। तू है तो तू मालिक। अच्छा ये, मैं शरीर छोड़ दूँ तो तू मालिक। ये राउरकेला में है? नहीं, राउरकेला से 100 किलोमीटर जाएंगे, 100 किलोमीटर जंगल में अंदर उड़ीसा में। हाँ, वहाँ से समुद्र कितना दूर है? समुद्र वहाँ 450 किलोमीटर। समुद्र तो और भी। तो स्वामी जी हम सबसे पहले तो आपके उस पुण्य पवित्र स्थान के जहाँ दर्शन करना चाहिए। जरूर आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो नजदीक क्या है एयरपोर्ट? मेरा प्रश्न को आप जो पूछे थे समझ में आया या नहीं आया? स्वामी जी आपसे जो हमने प्रश्न पूछा था उसका समझ में आने का बिल्कुल आखिर से यहाँ तक का सब समझ में आ गया। आप कुछ भी पूछ ले मुझसे, मैंने यह बताया था, बताओ इसका जवाब। तो यही है। हाँ, यही आप है। बोलोगे कि यार CBSE पढ़ाओगे कि नहीं? नहीं वो बात नहीं है, वो तो बात खत्म है। आप भेजोगे तो जलवाऊंगा। वो तो स्वामी जी सबसे पहले राउंड में अलग रख दिया। हाँ। कि वो नहीं, वो जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया। और आखिरी बिंदु क्या भाई, 20,000 रुपया लूंगा। हाँ। फीस के नहीं, मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन एडमिशन फीस के नहीं, किट की, किट किट जैसे कोई ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको एक किट पकड़वाता है। कोई पकड़ लो सेमिनार में गए तो बोले रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपया डालो, उसमें हम लोग जिस जिस विषय में आपको ट्रेनिंग देंगे उसका किट लो जी, उसमें 2-4 किताब रहेंगे, पन्ने रहेंगे, नोटबुक रहेगा, पेन रहेगा, एक अच्छा बैग रहेगा। तो हमारा किट क्या है? हाँ जी। तू 20,000 में एक गाय लेना है। अब बिना बिना गाय के आप सीखोगे क्या? खाक ठीक। वो हर बच्चा को देना है एक गाय, क्योंकि एक बच्चा एक गाय। दूसरा एक फौड़ा खरीदेंगे ठीक है, फिर तीसरा एक गैता खरीदेंगे, चौथा एक बेलचा खरीदेंगे, फिर सातवां और भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं ठीक है। तो ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट उसके पेन पेपर हैं, जमीन तेरा कागज, कलम तेरा फावड़ा ठीक है, 20 तेरा सही, क्या लिखना है लिख, क्या लिखना है लिख, ये पढ़ाइए। बाकी जो अंतर प्रज्ञा अंतर चेतना का अंतर शांत का मौन का वो एक अन्य विधा है, तो वो 20,000 आपको देने होंगे किसी भी कीमत में। महीना में 1500 रुपया भोजन पे लेंगे। कब तक लेंगे? जब तक वो प्रोडक्टिव नहीं हो जाए। अगर मेरा बात मान ले जो तो एक महीना में प्रोडक्टिव हो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं मानते ये काले अंग्रेज, क्योंकि आए तो उसी से, कोई नहीं मानता इतना जल्दी। तो जिस दिन तक वो स्वावलंबी जितना दिन में हो जाएगा जी, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, मैं ऐसा भी देखा हूं जो 10 साल तक नहीं हुए। हाँ, जिनका मन ही नहीं है, बस वो माँ बाप ठेल दिए आगे और धर्म का रोटी तोड़ रहे हैं। ऐसे ही हम कथा उथा सुनाते हैं, दान दक्षिणा मिलता है तो लो भाई
चंडाल चौपड़ी चंडाल चौपड़ी खाओ, खाते रहो पड़े रहो, क्या करना है उनको, है तो बांझ, बांझ उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, सही ऐसे भी है। गुरुकुल से, गुरुकुल में क्या खाली राम लक्ष्मण और पांडव निकलते हैं? अरे वहां तो कौरव भी निकलते हैं, कौरव भी निकलते वो जिसका जन्म, अंतर इतना है कि सरकारी स्कूल में आज तो रावण ही रावण निकलते हैं, कौरव ही कौरव निकलते हैं, कोई राम है नहीं तनुज से बाण उठाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। आप खेती कर रहे हो तो वहां सब अच्छे धाने उगते हैं क्या? वहां पर खरपतवार नहीं उगते हैं क्या? उगेंगे। अंतर यह है कि हमारे फसल ऐसा होगा कि वो खरपतवार को नाश कर दे, वो हमारी फसल ही ऐसी होगी खरपतवार को दबा दे, दबा दे। अभी हो क्या रहा है ना, इतना रासायनिक खाद डालते हो कि खरपतवार हमारे फसल को दबा, फसल को दबा दे। हाँ ये है बस। मैं ये सारा बात का एक ही लाइन में खत्म करूंगा, देखो भाई पागलपन है, ठीक है, और ये पागलपन मंजूर है तो बच्चा छोड़ दो। हाँ, पागलपन मंजूर है। हाँ, कल मेरे को दोष नहीं देना, ठीक है। और वो उसमें मार खाने हैं, क्योंकि जब वो कराटे सीखेगा, युद्ध विद्या सीखेगा, तो गारंटी नहीं देता हूँ मैं, वो तो पड़ेगा, मैं खुद ठोकता हूँ, ठीक है। नियमित होता है हर रोज, होता है, बिना लात के कोई बात होता नहीं है। हाँ, वो तो सीखेगा ना, अगर वो फाइटिंग नहीं है, फाइटर नहीं है, योद्धा नहीं है, योद्धा नहीं है इस देश में, अगर अस्त्र शस्त्र धारकम भवतु भारतम नहीं है, सारे चूड़ी पहने हुए बैठे हैं जी। तो क्या करें, ऐसे को लेके, ये हिजड़ों को लेके करें क्या, हिजड़ों का फौज सजा के, हिजड़ों की फौज सजा के करेंगे क्या? हाँ, सही बात है। अब सोचो कि भारत वर्ष में वहां जो हमारे सैनिक बैठे हैं, सारे बॉयलर मुर्गी, जर्सी होल्स्टन जर्सी सुअर का दूध पीने वाले, फॉरेन लिक्विड, खैर सुअर तो दूध देता ही नहीं है, है? अब जर्सी है क्या? हाँ हाँ, वो तो है, सुअर ही तो। तो इनके दूध पीने वाले, फॉरेन दूध, इनके हड्डी दुर्बल, इनका मानसिकता दुर्बल, ये कल देश बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। बंदूक तमंचों से कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता है, नहीं लड़ा जाता, लड़ाई तो बंदूक के पीछे जो खड़ा है, बंदूक के पीछे जो खड़ा, जो बंदूक को चला रहा है, उससे लड़ाई जाती है, उससे लड़ी जाती है। कितना भी मोदी सरकार खरीद ले, अपाची जैसे प्लेन या फाइटर प्लेन खरीद ले, हाँ, वो चलाने वाला होना चाहिए, चलाने वाला मजबूत होना चाहिए, हैं? उसका मानसिकता मजबूत होना चाहिए, उसकी मानसिकता मजबूत, वो देसी मानसिकता वाले हो, हाँ, जो बोलता है, हाँ, कि हम चना खा के भी युद्ध कर लेंगे, हाँ, लेकिन तुम्हारे मांसपूर्ण भोजन नहीं खाएंगे, मांसपूर्ण भोजन नहीं खाएंगे, वो है, वो मानसिकता के व्यक्तित्व चाहिए, वो मानसिकता, नहीं तो आप सोचो हमारे जितने सारे युद्ध हुए, हाँ, ये 90 से पूर्व पूर्व, हाँ, सब में हमें फतह हासिल किया, हाँ, चाइना खाली ये चुतिया नेता के लिए हम लोग हार गए, नहीं तो चाइना जीतने वाले थे, अगर सच्चा हिस्ट्री देखोगे, कौन सा, हाँ, उसके चक्कर में हम लोग हार पड़े, हाँ, नहीं तो चाइना जीतने वाले थे, कैसे कैसे है उसका, रवि ये अपने राजीव दीक्षित से सुन लो, हाँ, क्या हुआ था उसका हिस्ट्री, तो वो कहने का मकसद है कि उस प्रकार के व्यक्तित्व निर्माण, तो ये इसलिए सारा बात आगे से बता रहा हूँ कि कल क्या होता है, ये तो क्योंकि बच्चे आज सुख में जिए हैं, आराम से जिए हैं, हमारा कोई सुख में ना जिए, जी हमारे तो बहुत कठिन में जिए। सोचो एक बात बताओ, दशरथ राजा के बच्चे, वो उनके राज्य के में जो राजावास थे, वहाँ पर कितने नौकर, कितने चाकर, गद्दी चारों तरफ, सुख संपदा, और चलने के लिए भी गलीचा, और सडन उस बच्चा को लेके जंगल में पत्थर में चलाओ, फूल कांटे, फूल तो नहीं है, पत्थर और कांटे हैं, तो सडन को नहीं, तो इसलिए ये सारा समझ आप में होना चाहिए। अब लाठी तो सीखेंगे, सिखाएंगे ही, क्योंकि लाठी सारे अस्त्र का माँ है, सारे अस्त्र की माँ है, माँ लाठी है, क्योंकि जो लाठी सीख लिया वो तलवार सीख लेगा, जो तलवार सीख लिया फिर आगे आगे सारा भाला से लेके सब कुछ सीख लेगा, तो सिखाना ही, जितना जल्दी पकड़े उतना जल्दी आगे बढ़े, फिर उसको कराटे तो सीखना ही है, बस समझ आ रहे, उसे कुंफू तो सीखना ही है, उसमें छुट्टी होती है कभी, होती है, अब आप लेना चाहे तो कौन मना करे, नहीं ऐसी छुट्टी नहीं, गुरुकुल कोई छुट्टी नहीं है, नहीं ये तो छुट्टी तो अंग्रेज लोग सिखाए ना महाराज, उसी को आपका माँ अगर बोल दे कि यार संडे को मेरा छुट्टी खाना होना नहीं, आप देखो क्या करना है करो, हाँ पता चल जाएगा कैसी छुट्टी क्या होती है, और ऐसा करना साल में मेरे को 10 CL दे देना, 20 EL दे देना, और 5 ML दे देना, और RH 10-20 ले लेंगे, हाँ हाँ हाँ, फिर आधा साल तो वो छुट्टी में रह जाएगा, छुट्टी में रह गया, हाँ, है,
और स्कूल जैसे समर वेकेशन करवा दो, हाँ, समर वेकेशन भी वो 30 दिन का। हाँ मेरा मेरा कहने का मतलब आचार्य जी ये है कि छुट्टी तो कोई नहीं है ना, नियमित एक ही कार्य होता, तो इस बार वो जब छुट्टी में आएगा गुरुकुल से, उसके 2-4-6 दिन की छुट्टी होगी, तो सीधे हम जो है आपके वहाँ आएंगे। तो वहाँ कोई नज़दीकी एयरपोर्ट है? नज़दीकी एयरपोर्ट रांची है, रांची, दिल्ली से रांची प्लेन है, दिल्ली से रांची रांची, से फिर 3 घंटा का जर्नी है राउरकेला। रांची तो बिहार है, हाँ झारखंड, झारखंड, दिल्ली से, हाँ तो रांची आए, हाँ रांची या भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से आपको 1 रात का जर्नी है, नहीं 1 रात वाली नहीं चाहिए, हाँ 2-3 घंटे की चाहिए, हाँ क्योंकि आधा इतना समय ट्रेन में गुजर जाए तो कोई जाना नहीं हुआ, हाँ कि बहुत कीमती समय होता है हाँ। और उसी में गुजर जाए खराब होता, तो सीधा आएगा तो उसकी पहले से टिकट बुक होएगी, और हम और बच्चा वो तुरंत जो है आपके आश्रम में आ जाएंगे और वहीं रहेंगे, हम भी रहेंगे वो भी रहेगा 1 सप्ताह तक। और उसका नहीं, अगर उसको लगा ना अगर मैं यहाँ सबसे ज़्यादा तंग हो सकूँ, मैं तो हम 20,000 रुपये आपको दे देंगे, हो गई सबसे ज़्यादा तंग यही हो, कोई बात ठीक है। ठीक है स्वामी जी महाराज, हम जो है आएंगे वहाँ, आ जाओ हाँ, क्योंकि अभी तो वो आ नहीं रहा है, गुरुकुल में पढ़ रहा है। अच्छा उस गुरुकुल में क्या है स्वामी जी, जहाँ भी पढ़ रहा हो सवेरे नियमित 4 बजे जगते हैं, उठे सब पहले